समोसे, नाम ही काफी है ना। आशा स्पाइसेस सिंपल इजी एंड क्विक रेसिपीज आज लेकर आई हूँ बहुत ही पॉपुलर फेमस स्ट्रीट फूड रिंग समोसा की रेसिपी। रिंग समोसा एक टेस्टी इंडियन स्नैक्स है। इसकी खासियत यह है कि ये नॉर्मल समोसों से ज़्यादातर क्रिस्पी बने रहते हैं। तो आइए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। रिंग समोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप मैदा। इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा लगा लेंगे। हमारा डो तैयार हो गया है। ये काफी सख्त है, इतना डो लगाने में हमने 1/2 कप से भी कम पानी का यूज किया है। अब इसे ढककर 20 से 25 मिनट तक के लिए रख देंगे। जब तक कि ये सेट हो जाएगा तब तक समोसे की स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने ले लिए हैं 5 से 6 उबले हुए आलू और इसे हम मैश कर लेते हैं। अब एक पैन में 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। ऐड कर लेंगे इसमें है आधी छोटी कटोरी मूंगफली के दाने और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर का हो। और अब यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं तो हम इसे पैन में से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी पैन में बचे हुए तेल में हम ऐड कर लेंगे 1 बड़ी चम्मच घिसी हुई अदरक, आप अदरक पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 4 से 5 बारीक कटे हुए हरी मिर्च और इनको हम कुछ सेकंड तक सॉटे कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे मैश्ड आलू और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक थोड़ा और भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे फ्राइड मूंगफली या पीनट और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास हो तो आप इसमें हरे मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक थोड़ा और भून लेंगे। और अब ये बनकर तैयार है। इसमें ऐड कर लेंगे 2 बड़ी चम्मच बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग बिल्कुल तैयार है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा भी तैयार है। इसे हम थोड़ा मसल लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। एक आटे का टुकड़ा उठा लेंगे, गोल कर लेंगे, पतला बेलना है और इसे चौकोर आकार देते हुए बेलेंगे। बीच से पतला और किनारे से मोटा नहीं होना चाहिए। समोसे की पूरी बेलकर तैयार कर ली है। थोड़ा सा चौकोर है, चौड़ाई में बड़ी और लंबाई में थोड़ी कम। अब इसमें 2-3 चम्मच स्टफिंग डालेंगे और किनारे पर पतली पतली फैलाते हुए रखेंगे और पूरी को उठाकर इसी तरीके से स्टफिंग को थोड़ा सा हम बंद कर देंगे। किनारे से एक पतली सी पट्टी काट लेते हैं और इसे अलग रख लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्ट्राइप बना लेंगे चाकू की मदद से, पर आखिरी किनारा जुड़ा हुआ रखेंगे। स्ट्राइप कर चुके, अब स्ट्राइप के ऊपर रोल करेंगे, थोड़ा सा बीच में से घुमाते हुए आगे बढ़ाएंगे ताकि ये एक जैसी हो जाए। अब ये दोनों किनारे मिला देंगे। चिपकाने के लिए मेरे पास ये 1 बड़ी चम्मच मैदा का घोल बना लिया है। इसको थोड़ा सा रिंग के दोनों किनारों पर लगा देंगे, किनारों को मिलाएंगे इसी तरीके से और ये जो पट्टी काटी थी ये इसके ऊपर लपेट देंगे तो ये बन गया रिंग समोसा। इसी तरह सारे समोसे तैयार कर लेंगे। मैं एक और समोसा बनाकर आपको बताऊंगी। एक आटे का टुकड़ा लिया, इसे गोल कर लेंगे, पतला बेलेंगे, इसे चौकोर आकार देते हुए बेलेंगे।
समोसे की पूरी बिल्कुल तैयार कर ली है। थोड़ा सा चौकोर है, 2-3 चम्मच स्टफिंग डाल लेंगे, किनारे पर पतली पतली फैलाते हुए रखेंगे। पूरी को उठाकर इसी तरीके से स्टफिंग को थोड़ा सा हम बंद कर लेंगे, किनारे से एक पतली सी पट्टी काट लेंगे और इसे अलग रख लेंगे। अब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्ट्राइप बना लेंगे, पर आखिरी किनारा जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब स्ट्राइप के ऊपर रोल करेंगे, थोड़ा सा बीच में घुमाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब ये दोनों किनारों को मिला देंगे, चिपकाने के लिए मैदे का घोल लेंगे, दोनों किनारों पर हल्का हल्का लगा देंगे और किनारों को मिलाएंगे इसी तरीके से, और ये जो पट्टी काटी थी इसके ऊपर लपेट देंगे। तो रिंग समोसा बनकर तैयार। सारे रिंग समोसों को असेंबल करके तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे, थोड़ा सा आटा तेल में डाल देंगे, इसमें से बबल आ रहा है इसका मतलब तेल गरम हो गया है। हमें समोसा तलने के लिए कम गरम तेल की आवश्यकता है। अब एक एक करके समोसा डालते हैं। शुरू में हम फ्लेम को लो रखेंगे, इससे इसकी ऊपरी परत एकदम क्रिस्पी बनेगी और इसके ऊपर बबल भी नहीं आएंगे। लगभग 4-5 मिनट के बाद समोसे तैर कर ऊपर आ गए हैं, हल्के से सिक गए हैं नीचे की ओर से, तो गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसे पलट लेंगे। समोसे अच्छी तरह से सिक गए हैं, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, तो करछी को कढ़ाई के किनारे थोड़ा सा रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वापस चला जाए, और हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। और इसी तरह सारे समोसे तल लेंगे। एक बार एक बैच समोसे तलने में 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। और इसे सर्व कीजिए बिल्कुल गर्मा गर्म आपकी मनपसंद चटनी के साथ। मैं यहाँ पर इसे सर्व कर रही हूँ केचप के साथ। बहुत ही टेस्टी है और क्रिस्पी है, हर बाइट में मसालेदार आलू और क्रिस्पनेस है। तो बनाइए, खाइए और अब आप घर पे ही एंजॉय कर सकते हैं रिंग समोसा को। तो फ्रेंड्स, मेरी बनाई हुई रिंग समोसा की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग रेसिपीज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।